आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, और साथ साथ आप भी पार्ट वन में जो पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो खैर आपका चैप्टर का जो सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट हम जो पढ़ते हैं नॉर्मली दो साल तीन साल चार साल का रहता है तो फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इसी में अगर 10 साल का हो 20 साल का हो 25 साल का हो 100 साल का हो या 5 साल का हो मतलब अनेक बहुत सारे कई सालों का हो तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे लॉ की सहायता से। ठीक है, किसी बच्चे के पास बुक है लाइट जवाब हो देख लीजिए, ये आप लोगों का जो है क्या है पार्ट वन का जो है बिजनेस स्टडी जो है मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स है जो कि पार्ट वन का है आप लोगों के पास होना चाहिए। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कितना क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 600 रुपया का मूलधन जो है 12 वर्ष में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो है वो कितना हो जाता है 1510 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाल। ये क्वेश्चन हो गया, कहता है कि 600 रुपया का मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में 1510 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाले। आप देख पा रहे हैं कि समय क्या है यहाँ 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष काफी ज्यादा लंबा हो जाता है जो आपको निकालने में 12 बार गुणा करने में काफी समय लेगा, इसको हम लोग लॉ की सहायता से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यानी मिश्रधन दिया हुआ है तो पहले हम लोग सी आई का फॉर्मूला होता है कि बी इंटू वन प्लस आर बाई 100 पावर में बी माइनस में वन, यानी मूलधन जो है ब्रैकेट वन प्लस आर बाई 100 पावर में कितना है टी यानी समय माइनस पे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ब्याज के लिए तो सिंपल है, मान लीजिए हमको अगर ब्याज पूछता है, क्या पूछता है ब्याज अगर पूछ दिया बाई दीजिए, इसके लिए क्या करेंगे मिश्रधन घटे मूलधन कर देंगे ना, यानी कितना है मिश्रधन 1510 रुपया, कितना है बाबू माइनस कितना है मूलधन 600, ये 910 रुपया हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि ब्याज का पूछता नहीं हमें, यहाँ पे क्या पूछ रहा है दर, क्या पूछ रहा है दर, तो दर जो पूछ रहा है इसके लिए जरा ध्यान, सबसे पहले आप निकालते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 पावर में क्या टी है ना, क्या हो जाएगा पावर में टी, क्या हो जाएगा पावर में टी हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि जो है मूलधन कितना है बाबू 600, उसके बाद वन प्लस आर का मान तो दिया ही नहीं है, पावर में कितना हो गया 12, बराबर कितना हो जाता है 1510, अब जो हो गया वन प्लस आर बाई 100 पावर में 12 इक्वल टू हो जाएगा 1510 बटे 600। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब इसको लॉ में चेक करते हैं, यहाँ से देखिए नॉर्मली ये काम हम लोग करते आए हैं, जब दो साल का हो एक साल का हो तीन साल का हो तो हम लोग इस पर आराम से निकल जाता था, लेकिन यहाँ 12 साल का है तो 12 बार इसको गुणा करें तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा काफी ज्यादा लंबा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लॉ की सहायता से इसको निकाल लेते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि लॉग 12, तो क्या लिख सकते हैं लॉग 12 इंटू वन प्लस आर बाई 100, हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे लॉग 12 हो गया इंटू वन प्लस आर बाई 100, अब उसके बाद 1510 को लिख सकते हैं हम लोग कि लॉग 1510 माइनस लॉग कितना लिखेंगे इसमें 600। लॉग के लिए कुछ रूल आपने क्या दिखाए थे कि लॉग जो है लॉग ए इंटू बी, इसका मतलब क्या होगा कि लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। चलिए एक और लिखाए थे कि जो है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, तो इसमें जो भाग वाला काम हुआ है क्या हुआ है तो इसका जो है प्रयोग होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 1510 माइनस लॉग कितना हो गया ये 600 रुपया। आप इसको क्या करेंगे कि 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट लगा देंगे, अब ये हो जाएगा लॉग 1510 माइनस लॉग 600, और ये कितना जाएगा गुणा से भाग, जब चिन्हों का हम लोग लेफ्ट एंड राइट क्या करते हैं लेफ्ट एंड राइट है ना,
अगर वो प्लस में होता है तो कहाँ जाएगा बाबू? माइनस में होगा तो कहाँ जाएगा? अब गुना में होगा तो कहाँ जाएगा? अब भाग में होगा तो कहाँ जाएगा? गुना में कहाँ जाएगा? तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सपोज देयर, मान लीजिए कि 2x इक्वल टू जो दिया हुआ है 10, तो x इक्वल टू क्या होगा? 10 / 2 का ये कितना आ गया? ये 5 कितना हो गया? 5 हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहां? उसी प्रकार से चिन्हों का जब हम लोग दायां और बायां करते हैं तो चिन्ह क्या होता है? उसका चेंज हो जाता है, बदल जाता है। आप इसको क्या करेंगे कि 1 प्लस r / 100। आप देखिए, आप आपको लॉग टेबल में देखना है तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4 अंक दिया हुआ है, तो उसमें से क्या करेंगे कि एक अंक लॉग का नियम, एक अंक कम लिखेंगे, तो 3 लिख दिए, अब तक सब कम लगा दिए। उसके बाद हमको देखना है लॉग टेबल में 15 का 1 में कितना में देखेंगे, 15 का 1 में कितना दिया? 15 का 1 में 17.90। क्या दिया हुआ है बाबू? क्योंकि लॉग टेबल आपका इस बुक का सबसे लास्ट पेज जो होता है, इसमें आपको लॉग टेबल दिया गया, ठीक है, 17.90। और जस्ट इसका दो पेज, पेज नंबर 3 में एंटी लॉग दिया हुआ है। तो लॉग कैसे देखते हैं और एंटी लॉग कैसे देखते हैं, इसमें सही से जो हम लोग पहचान रखते हैं कि ये है एंटी लॉग। और किसी बच्चा को अगर एंटी लॉग और लॉग का जो बहुत सारे प्रश्न होता है, ठीक है, अलग अलग मान है, मान कैसे याद करूंगा, इसका मान याद नहीं करूंगा, इसका मान कैसे निकलता है, इसके लिए भी अलग से एक स्पेशल हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप इसके बाद 1, 2, 3 वर्ग इसमें है तो माइनस का 2 लिख लेंगे, 1, 2, 3 में से 1 कितना है? 2। आप 60 का 0 में देखेंगे, किसमें देखेंगे बाबू? 60 का 0 में कितना दिया हुआ है? 77.82। अब बटे में कितना हो गया? ये 12। अब इसे हमको घटाने का काम करते हैं। अब और कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए 1 + r / 100 बराबर 0 में तो दूने कटे का हासिल लेंगे, 10 में से 2 गया तो हो गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, 11 में से 7 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, 10 में से लगा दीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? 12 से भाग करते हैं। अगर इसमें 12 से भाग करते कितना है? 0.0334 आ गया, 0.0334। कोई प्रॉब्लम है? ये तो नॉर्मल भाग का चित्र है, लेकिन आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 0.0334। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है मेन टॉपिक, ठीक है, गौर कीजिए। सबसे पहले देखिए, अब आपका जो है आ गया है 1 + r / 100 = 0.0334। अब आते हैं एंटी लॉग, अभी तक क्या था? ये लॉग। अब इसे चेंज करते हैं हम लोग एंटी लॉग में, कहाँ चेंज करेंगे? एंटी लॉग में। एंटी लॉग के लिए नियम पहले याद रखिए आप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दाएं साइड से 2 अंक, कितने अंक? 2। बाएं साइड से 2 अंक, 2 अंक कितना है इसमें? 0.3 है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, कहाँ देखेंगे इसको? एंटी लॉग में देखेंगे, है ना, कहाँ देखेंगे इसको? एंटी लॉग में देखेंगे। और एंटी लॉग का कितना में देखेंगे? तो 3 में देखेंगे। गौर कीजिए, एंटी लॉग आपके पास है, पेज नंबर 3 में निकाल लीजिए। आप देखिए कि लॉग जो है 0.3 आया, तो एंटी लॉग में आप चलाते हैं, लॉग को चेंज करते हैं एंटी लॉग में, तो 0. क्या 0.3 है, यानी आप क्या देखेंगे इसको जो है 3 का, कहाँ देखेंगे? 3 में देखेंगे। तो 3 का 3 में कितना दिया हुआ है? 10.79, ठीक है। लॉग टेबल में देख लीजिए आप जो है 3 का 3 में, 3 का 3 में देख रहे हैं 10, ये है एंटी लॉग का टेबल पेज नंबर 3 में, 3 का 3 में देख लीजिए आप, तो कितना आ जाता है? 10.79 आ जाता है ना। उसके बाद लास्ट का जो अंक बचता है इसको हम लोग मीन डिफरेंट में देते हैं, कहाँ देते हैं? मीन डिफरेंट में, कहाँ देंगे? मीन डिफरेंट 4 में देखेंगे। 4 में कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया ये? 280। एंटी लॉग में बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बन देता है, समस्या होता है बच्चे को एंटी लॉग को पहचानने में। एंटी लॉग के लिए याद रखना है कि बाएं साइड से 2 कितने आ गए? 2। तो 0.3 आ गया, 0.3 मींस 3 सही ना। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, 3 का 3 में देख लिए 10, 79 आ गया,
तो कितना जोड़ कितना आ अब इसको हम लोग जो है मान लीजिए इसको करते हैं कि 1+R/100 लिख सकते हैं इसको कि 1.080 आपको प्लस में इस साइड की साइड लिया कितना जाएगा वो माइनस में अब ये हो जाएगा कि R/100 1.080 उसमें से क्या करेंगे जैसे इस चिन्हों का लेफ्ट एंड राइट दाया और चिन्ह क्या होता बदल जाता माइनस से प्लस प्लस से माइनस गुना से भाग और भाग से याद रखिएगा इसको ठीक है आप ये हो जाएगा कि R/100 और ये हो जाएगा 1.0080 और कुछ नहीं तो क्या इसके नीचे में ए अब यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कोना गानी गुना क्या करेंगे बात कोना गानी गुना ये हो जाएगा R=0.080 क्या हो जाएगा ये 100 आप 100 से गुना करते हैं तो जितना जितना जीरो से 100 को गुना करेंगे मतलब डेसिमल को जो है गुना करते हैं अगर हम लोग जो है 1 जो है जीरो से तो उतना डेसिमल को वो कम करता है क्या करता है कम करता है ठीक है तो इसको हम लोग क्या करते हैं अब 100 से गुना करते हैं दो कम कर दिया दो कम करेगा तो कितना हो जाएगा ये 8% कितना हो जाएगा ये और यही क्या हो गया इसका 20%।